धर्म के भाई से आवा तो ही का तरसा हो बल्ले तो ही का तरसा हो बल्ले केवल एक माँ ही कर सकती है। क्योंकि भैया दुनिया जब कनवा गई तो वो बर्दाश्त ना कर वे काम करा। हम बड़ी दुनिया देख ली भैया, अब हम दुनिया देख कर भूख ना कर ये दोनों अखिया हमारे लाल के लगवा दा कसम हा आजीवन ए बहिन के तोहरे जीवन में हमरे लाल के पता न चले के चाहिए कि हमार लाल आनहर रलन हमार दोनों अखिया लाल के लगती है। ए बात के छिपा लिया भैया, जीवन में हमरे लाल के कहो पता न चले चाहिए उदास हो जाई। बार तारी बहुत मना कैलन डॉक्टर मनोज कलन आनहर हो जाए पागल हो गल हो एक आंख देता वो देखे तो हो देखा इतने बात मान जा जीवन में फिर तो से कबो कुछ ना मांगा मजबूर हो गए अपने बहन के सामने। डॉक्टर साहब लग गई दोनों आंख उकरी बेटवा के माई अंधर हो गई बेटवा दुनिया देखे लगल। हॉस्टल में रख के मनोज डॉक्टर साहब के पढ़ावे लगलन इतना तेज लड़का पढ़े में निकल इतना तेज पढ़े में निकल हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आवे। समय कितना बीता मास्टर आवा अशोक हलवाई भैया एक सौ एक रुपया भैया की प्रणाम हम कहना है आपके दिल के आपके दिल के बेटा त्याग मालिक के घरे देर है अंधेर ना हा। रंग लाई माई का तपस्या 20 साल का दिन बीतल स्वरूप भैया के चोड़ों में प्रणाम कली की भैया हमार बिरहा से पहचान है दून तर्ज से नीतू राज के लोग ना जाना लग आज ई मतारी कसम में बान के भाई से अपने बेटवा के दोनों आंख लगवा के पढ़ावे लगलन डॉक्टर मनोज यादव। समय बीतल 20 साल पढ़त पढ़त वो लड़का के आज 20 साल का दिन बीतल बीतल वो अनहरी का लड़का तहसीलदार बनल आ जब तहसीलदार बन के निकल तो पहली पोस्टिंग भैया ओकर कहाँ भई यही उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में एटा जनपद में ओकर पहली पोस्टिंग भई तहसीलदार
बनल हो, 4 दिन का छुट्टी मिलल है, छुट्टी बितावे बदे घरे माई मम्मा मामी से भेंट करे बदे 4 दिन का छुट्टी बितावे आयल है। बड़ा रजगस से छुट्टी बितौलस, अब जाए का टाइम है, जाए लगलन। तहसीलदार साहब अपने माई से एक बात कहलन, बाबूजी जवन हर बेटवा अपने मतारी बाप से कहलन, का कहलन तहसीलदार साहब? माई तोर बेटवाए बड़का अधिकारी बन गल, अब तोर सारा दुख का दिन कट गल, माई तनको चिंता मत कर। सच्चाई है जेकर बेटवा तहसीलदार हो जाए या कोनो बढ़िया पोस्टिंग पे हो जाए तो माई का बाऊ का करेजा इतना दूना हो जाए। वादा करते के तहसीलदार साहब जाते समय मतारी से का वादा किलन तनी होई सुना। जाए लगलन तहसीलदार साहब खलन की है माई चल थीला, पहले जब रुपया पैसा कमाए लगा सैलरी मिले लगी तो सबसे पहला काम का करब जमीन खरीद। ध्यान दी है लोग तहसीलदार साहब माई से कह दो जमीन खरीद घर बनवाई। माई तो के ले चलो अपने साथे रखब, बहुत दिन तो से दूर रही है मम्मा, तू नाराज मत हो जा, बड़ा थोड़ी परेशान है, जान दे के भी तुम्हारे एहसान ना चुका पाई मम्मा। अब माई के अपने साथे रखा मम्मा, देखा मना मत करिया मम्मा, डॉक्टर मनोज कहले कि तुहार मतारी है हम काहे मना कर। गई लन तहसीलदार साहब माई से वादा कैले हो कि जमीन खरीद घर बनवाई तो के साथे लेके रहो, ध्यान देंगे बाबूजी। जो हर बेटा अपने माँ बाप को सपना दिखाता है। आज गैलन तहसीलदार साहब माई के फोन करे, माई खेलू की ना, माई नहलू की ना, माई दवाई लेलू की ना, माई तबियत कैसन बा, बहुत हाल चाल करे माई का। लेकिन एक साल तक तो रोज दिन भर में 2-3 दिन फोन करे, 2 साल बीतल तो हफ्ता में एक बार, तीसरा बीतल तो 6 महीना हो गया, चौथा बीतल बीतल पांचवा आवत आवत तहसीलदार साहब एकदम माई के भुलाए गए। भूल गया वह नालायक अपनी माँ को, जो मेरी माँ बेसहारा है, विधवा है और अंधी है। ध्यान दे, बेसहारा है दूसरे के घरे है, विधवा है बाप मार मर गला लेकिन अंधी है। ओ मतारी के आज नालायक बेटा तहसीलदार भुलाए गए। लेकिन इधर माई माँ तो माँ होती है, अमृत का धार कोई कितनों पियाई है वो माई बिना, अब कैसे करे जवा जुड़ाई भैया माई बिना। आज माई का करे जा का कहत मास्टर पहपट के अंदर भाव। तर
राजू शर्मा पागल हर नौकरिया माई जो भेली तब मनोज से हर रोज तरक्की करिया माई तहसीलदार साहब जब माइक एकदम भुला गेलन यहाँ मतारी का करेजा माने के तैयार ना है आइलन डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल से कल की का उदास हो का बात है कल की भैया फोन ना करत हुए हमारे लालच का बड़का अधिकारी न बन गए हुआ आजकल फोन ना करत हुए पता नहीं खा तो हुए कि दुबरा गए हुआ खाली काम करत हुआ कि खाना होना भी खा तो यह मतारी है हो बाबू कहीं से जई बात माई पेट टोए ले मेरा रूपा के टोए ले आज कल क्योंकि टाइम ना मिला तो ही बहुत बड़का अधिकारी न बन गल सब फोन मिला हुआ करेजा ना मानत था पता नहीं कहीं दिल घबरा था तई समरे लाल से बात करा था तई सब बात करा था हमार करेजा ना मानत था लेकिन ये बहकावत हुआ फोनवा ते नहु पे ना आयल है लेकिन ये मनावत हुआ कि हमारे पे फोन कैले रहल है पहलवान भैया डॉक्टर साहब बहकावत हुआ कि हमारे फोन कैले रहल है ठीक है जानत हूँ कि इतना बड़ा अधिकारी बनल है व्यस्तता है टाइम ना मिलत है का परेशान है खाना खा कोई तकलीफ कल की ना भैया को तकलीफ ना है कल की परेशान मत हो खाना पीना खा सेहत बिगड़ जाए तो दिक्कत हुई कई दिन मनाई बा दो दिन चार दिन दस दिन झूठ ढेर ना टिकाला एक दिन अनशन पर बैठ गई कहीं जब ले मरे लाल से बात ना करी बा न अन्न खा न पानी पियो ऐलन डॉक्टर आइन कली कि चार दिन हो गल ना खाती ना पिय थी तो मर जाइ तबीयत खराब हो जाई लेके धरिया का खाना गैलन कलन की कसम ले लेला कि जिंदगी भर तो हाथ परवरिश कर जीवन में कबू कोनो दुख ना होए दे बीमार कसमिया तोड़ दे भूखा ना ही खाना खा टार देलिन धरिया कलन की ना भैया हम खाना ना खा कलन काहे ना खइबू कलन की लाल से बात करा दा ना बात करीबा तो भेटिए करा दा लगा था कि अब मर जाम ना बच मम्मा भेंट करा दा कलन की अच्छा ना मनबू तो चला परसों सोमवार लेके चला तोरी बेटवा से डायरेक्ट अब बात का कराई भेटी है करा दे कुछ हमरो काम है चल अब अपनो कह ले तुहार भेंट भी करा दे ए बाबू आएगा सोमवार का दिन लेके अपने धर्म के बहन के चलन ओकरी बेटवा से भेंट कराओ बदे ध्यान दिया आल्हा में भाव लगल भयल का मास्टर अरे माई हो मगान माई हो मगान हान दुनिया में बाबू Thank you.
इतना लोग समझावत हुआ वही बैठा ला पहलवान भी अपने लगवा आवा डॉक्टर मनोज यादव लेकर के एटा सारो कॉलोनी गौतम नगर में जौना कॉलोनी में तहसीलदार साहब राजू शर्मा के आलीशान तीन मंजिला मकान बनल है नया नया। पूछत हुआ डॉक्टर मनोज यादव की तहसीलदार साहब का मकान कौन है भैया? राजू शर्मा यही कॉलोनी में रहा कल भैया आएगा हुआ वह सामने जो मकान लोग तीन मंजिला ने कहा यह तहसीलदार साहब का मकान है। गेट के बाहर बोर्ड लगल तहसीलदार राजू शर्मा भैया तो और काम है जरूरी है जाओ के कही की हवा अरे चेहुनिया ठेस के भैया के सहारा लेके हम लाल केन चलत रही हवा शाम के इकट्ठे बैठ के खूब बढ़िया से बात हुई जाने तो और काम ना बिगड़े तब कलन की ठीक है तब जा हम चलत ही काम कही की आवत हिला मिलत ही चिट्ठी होके दे दी कह दिया तोर मम्मा दे ले हो कलन की चिट्ठी का कर कलन की हम जीवन कहती हमारी बात मना होके दे दी तब तक हम आवत ही चार घंटा में चलल बाहर डॉक्टर मनोज यादव यार माई पहुंचत अपनी बेटवा के दरवाजे पर गेट पर एक गेट माइन खड़ा है। हाय बुढ़िया कहाँ घुसी चली आ रही है कौन है? कल इनकी भैया ये तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है का? कल हाँ हमारे साहब का मकान है लेकिन तुम कौन हो? बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके वह माँ छाती ठोक के कलीन कि जो ने साहब का तू नौकर हुआ वही तोरे साहब हम माई जा कह दा कि तो और माई आ रही तोरे सामने हमार लाल हमके गोदिया में उठा के लेके जी तब तो के समझ में आई कि हम के गई हवा हो गया वह दरवान लगी थप थप अंदर से चार चक्का गाड़ी हरन देर पर गेटवा खोले बदे अजी सही गेट खुलल है एक पार तहसीलदार साहब खड़ा हुआ गेट के बाहर मतारी खड़ी जो आंधर गया वॉचमैन बच्चे बता रहा है कि साहब ये बुढ़िया जो खड़ी है ये आपकी माँ है कह रही है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। आए हाय 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 भाई का मास्टर मेरी माँ नहीं गई मैं अनाथ हूँ मेरा दुनिया में कोई नहीं है इसका बेटा कहीं खो गया होगा अपने बेटे को खोजते खोजते मेरे दरवाजे पर आ पहुंची भगाओ इसे 100-200 रुपया दे दो इसे भीख मांग रही भीख मंगी है हटा दो दरवाजे पर से मुझे जाना है लेट हो रहा हूँ अरे बेटा माई खातिर ऐसे बड़ा दुख और का हो सकला बाबू जौन बता रही अपनी बेटवा खातिर इतना बड़ा त्याग कहले हो वो मतारी के बेटवा साफ इनकार कर दे चीन है से वो मतारी बाप खातिर ऐसे बड़ा दुख हम के ना लगा दे कोनो दूसर हुई बच्चो
माई करे जो पर पत्थर रख ले साफ तो आंधा ने लेकिन कान का बहिर ना है। अब अजिया सुनत छे कि अजिया हमरे लाल कहो हमार लाल काचवन के मन माई ना है। बाय में पाय डाल के डॉक्टर साहब को दुल्हन खड़ी है सॉरी तहसीलदार साहब को दुल्हन खड़ी है डार्लिंग डार्लिंग आपकी माँ का कलम की नो ये मेरी मां रही है। सोच गई माई की घर बनवा ले लिया ब्याह शादी भी कर ले कर मेहरारू बोला थिया अब अगर हम जबरी कर थिला तो बात बिगड़ जाई बारे माई का करे जा माई कही का बाबू लावटी का तारी बदना सी बंदे की छनवा सी बंदे की छनवा चुपचाप माई बिना कुछ बोले ले धरम के भाई का दीहल चिट्ठिया यही मुठिया में लगलिन मीजा लगलिन मीजा लगलिन मीजा का करी जब ही हमर साहब इनकार करे तो चीने से तमरे भैया का चिट्ठी कई का कदर करी चिट्ठिया मुठिया में लेहल लौ पढ़ली घूम गईलिन माई और जब घूम गईलिन विवेक खो बैठल है मालूम पड़त कि हार्ट अटैक हो जाई आप खो गई वो बुढ़िया आंधी और रोड क्रॉस करने लगी जैसे ही रोडवा क्रॉस करने लगी आई चार चक्का गाड़ी मरलस उलट के जाए की खाई में गिरली पूरे शरीर से सोड़ी का धार चलत बा तमाम लोगों के भीड़ लग गई एक्सीडेंट हो गल लेकिन ये औरत इधर के ना कहीं बाहर का लोकत बा लोगों को भीड़ लगल बा वही भीड़िया में तहसीलदार राजीव शर्मा का गाड़ी आई के ब्रेक ले प्लेस अरे इतना भीड़ लगा है आखिर बात क्या है दू जने निकल निकले ऐसा एक ठे बुढ़िया या नहर रलिए दोनों किया कि रोडवा क्रॉस करे लगलिए चार चक्का गाड़ी आई मार के चल गई आखिरी सांस चलत के लगत मर जाई बची ना लेकिन दुर्भाग्य ही देखा कि इधर का ना है अनजान औरत लोग खुरबाई सुन ले रहा भैया हो कि ब्लड ब्लड को खींचता है नहीं रोक पाया वह बेटा नालायक अपनी आपको खोला है गाड़ी का गेट और भीड़ को चीरते हुए जाता है माँ के पास अगर माई के लगे जाए के माई का सर उठाए के एक गोदी में रख लेगा माई से कुछ कह जाता तब तक माई का मुड़ी वही गोदिये में तहसीलदार साहब के झूल गई और जैसे ही मुड़िया झूल गई हाथ का मुट्ठी खुल गई रोत हुआ तहसीलदार साहब माई के वही गोदी में लेकर के नजर वही कागज के टुकड़ा पर पड़ गया जो माई के हथवा में से ढिंगलाया ला खोललन कागज का टुकड़ा और जब खोललन ओके पढ़े लगलन उमे लिखल का रहल मास्टर बतावा
लेटर खोलता के वह नालायक बेटा तहसीलदार राजीव शर्मा साफ साफ डॉक्टर मनोज यादव चिट्ठिया में लिखले हुआ अरे नीच नालायक अंधा तू था अनहर हमार बहिन ना रहला अनहर ताय रहले लेकिन तोर मतारी तोरे खातिर इतना बड़ा त्याग कैलस दुनिया अनहरा अनहरा कहत बा कल इनकी भैया आंख लगवा दा कली एक आंख दे दा कली कनवा कहे लगी लोग बहुत से बदतर जिंदगी हो जाई दोनों आंख तोके दे दिली अपने अनहर बन के बैठली और तोके आंख लगा दुनिया देखे लगले पढ़ लिख के बड़का अधिकारी बन गिले अपने मतारी के ठोकर मार दिले हम भुला गए होते हम कुछ तकलीफ ना हो लेकिन जो उन्हें मतारी के तय भुलाए हुए वो मतारी तोरे खाती में इतना बड़ा त्याग कर लिया।